किसने कटवाया देवमणि द्विवेदी का टिकट? लंबुआ से बीजेपी प्रत्याशी ने ही किया खुलासा। बीजेपी प्रत्याशी सीताराम वर्मा बोले, मैं बेगुनाह। उपाध्याय जी के चक्रव्यूह में फंसे द्विवेदी जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। हमने नहीं फेल किया, राजबाबू ने फेल किया। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से सिटिंग बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का टिकट कटा तो सवाल उठा, किसने कटवाया? सवाल पूछने वालों उंगली जैसे ही लंबुआ के बीजेपी के नए कैंडिडेट और जयसिंहपुर से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा पर उठी तो वर्मा जी ने फटाक से कहा, नाना मैंने नाजिन कटवाया द्विवेदी जी का टिकट, वो तो राजा बाबू उपाध्याय के गेम का शिकार हो गए। नामांकन करने के बाद सीताराम वर्मा ने टिकट के खेल का सच कैसे उजागर किया, सुनिए। भाजपा का पर्चा खरीदा हुआ था, क्या वो पर्चा अभी का था? किसी ने साजिश कर खरीदा, उसको हमको मालूम ही नहीं, तो मीडिया ने बताया हमको, तो हमने करना विधायक जी। आप बड़े बड़े को फेल कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फेल कर दिया। लंबुआ में देवमणि जी को फेल कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, हमने नहीं फेल किया, राजबाबू ने फेल किया। राजबाबू ने फेल कर दिया, आपको फेल किया आपने देवमणि? नहीं नहीं, हमको नहीं फेल किया, उनको फेल किया। सामाजिक समीकरणों में पार्टी देखना होता है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ में 5 सीटों में से एक आरक्षित सीट है। लंबुआ से विधायक चुने जाते हैं, किस तरह की सौगात देंगे लंबुआ सीट में, समय आने दीजिए, बताएंगे। सुना आपने, कौन है द्विवेदी जी का गुनहगार जिसके सियासी खेल का शिकार हो गए लंबुआ विधायक द्विवेदी जी? ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।